بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. डियर स्टूडेंट्स, आज हम राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से पढ़ेंगे. राउटर हमने ऑलरेडी बात की कि इट कम्युनिकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो है वो राउटर यूज़ होता है. दिस इज़ द बेसिक और कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द राउटर. सबसे जो कोर फंक्शनैलिटी है राउटर की वो दो या दो से ज़्यादा जो जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करना, ये राउटर का काम होता है. इसके अलावा कुछ और भी इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं. दीज आर द सेकेंडरीज, जो कि सेकेंडरीज फंक्शनैलिटीज़ हैं. जैसा कि हमारे पास हो गया कि हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो गए, कि आप उस पर से सिक्योरिटी वगैरह लगाना चाहते हैं, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये भी आप राउटर्स के थ्रू कर सकते हैं. किसी कम्युनिकेशन को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये सेकेंडरी पर्पज़ ऑफ द राउटर है. लेकिन जो प्राइमरी पर्पज़ राउटर है वो है कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स. और ये हमारे पास राउटर कौन सा डिवाइस है, कौन सी लेयर की डिवाइस है, ये हमने ऑलरेडी बात की कि ये लेयर 3 डिवाइस है. स्विच जो है वो लेयर 2 पे भी काम करता है, लेयर 3 पे भी काम करता है, जबकि राउटर जो है वो प्योरली लेयर 3 डिवाइस है. उनकी आज हम जो राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आप राउटर का नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप उसकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह लगानी है, यूज़र के मोड्स वगैरह कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. और लेट्स मूव, एक्सक्यूज मी, राउटर IOS, हमारे पास राउटर की जो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो कौन सा है. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तरह के राउटर्स होते हैं. एक को हम कहते हैं मॉड्यूलर राउटर्स, दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन मॉड्यूलर राउटर्स. मॉड्यूलर राउटर्स वो होते हैं जिसमें से एक्स्ट्रा स्लॉट्स होती है. अगर आप कोई न्यू पोर्ट्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें से आप कर सकते हैं. और जो नॉन मॉड्यूलर होते हैं तो उनमें से एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं होते. जिस तरह की ये फिगर में शो हो रहा है तो ये नॉन मॉड्यूलर है, मतलब एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है जिसमें से हम कोई एक्स्ट्रा स्लॉट्स जो है वो ऐड कर सके, एक्स्ट्रा जो न्यू पोर्ट्स है वो हम ऐड कर सके, ठीक है. जबकि मॉड्यूलर राउटर्स में अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्लॉट्स होते हैं, डॉटेड स्लॉट्स होते हैं, जिसमें से आप एक्स्ट्रा अगर कोई मॉड्यूल इंसर्ट करना चाहते हैं, सीरियल पोर्ट या इथरनेट पोर्ट या कोई और पोर्ट आप उसमें से इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ मॉड्यूल राउटर्स के टाइप्स थे. इस तरह राउटर्स की मुख्तलिफ किस्म की सीरीज होती है, जिस तरह के हमारे पास 2600 सीरीज़ है, 2500 है, 2500 में फिर वेरियस उसके टाइप्स है, और जो उसके 2600, 2800, 2900, और हर जो जो वेंडर्स हैं, जिस तरह के सिस्को के हो गए तो उनके राउटर्स अलहदा से है, जो उसके यूनिपर्स के हैं या जो हमारे पास हवाईवे के राउटर्स हैं वो डिफरेंट्स होते हैं. उनमें जो है पोर्ट्स वगैरह की जो मॉड्यूलरिटी और नॉन मॉड्यूलरिटी वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. तो हमारे पास राउटर्स की जब अगर हम बैक साइड पे देख ले तो उसमें से कुछ पोर्ट्स हमारे पास नज़र आते हैं. तो वो हमारे पास राउटर के बैक साइड पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं ये देख ले. ये हमारे पास है इथरनेट पोर्ट्स. नॉर्मली हम हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये पोर्ट्स यूज़ करते हैं, जिसको हम इथरनेट पोर्ट्स कह सकते हैं, या फास्ट इथरनेट. 2600 सीरीज़ में हमारे पास इसको हम फास्ट ईथरनेट कहते हैं. तो मॉड्यूलर में हमारे पास जिस तरह के अब ये नॉन मॉड्यूलर है तो सीरियल नंबर 0 और सीरियल 1 पोर्ट. अगर हमारे पास मॉड्यूलर होता है तो हम और भी उसमें से सीरियल पोर्ट्स या ईथरनेट पोर्ट्स एड्स कर सकते हैं. तो हमारे पास वो लाइन की शक्ल में होता है, जिस तरह के हमारे पास ये है. ये से फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लाइन्स में डिवाइड किया, इसको मैं कहूँगा सीरियल 0/0, कि ये मेरे पास 0 रो और 0 उसका जो पोर्ट है सीरियल, इसको मैं कहूँगा सीरियल 0/1, ठीक है. इसी तरह हमारे पास है सीरियल 1/0 और सीरियल 1/1. जिस तरह हमारे पास 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह मॉड्यूलर में इसकी नंबरिंग भी इसी तरह से होती है. अब हमारे पास ये नॉन मॉड्यूलर है तो सीरियल नंबर 1 पोर्ट और सीरियल 0 पोर्ट, ठीक है. तो एक तो होते हैं हमारे पास सीरियल इथरनेट पोर्ट. ये नॉर्मली हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं. तो ये फास्ट इथरनेट भी हो सकता है और इथरनेट भी हो सकता है इथरनेट पोर्ट.
या इसको हम AUI भी कह सकते हैं, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि ये RJ45 कनेक्टर्स होता है, तो RJ45 नॉर्मली स्टार्ट टोपोलॉजी में होता है, लेकिन अगर आपके पास आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो बस टोपोलॉजी को यूज़ करता है, तो फिर ये ईथरनेट पोर्ट या फास्ट ईथरनेट पोर्ट इस तरह नहीं होते, फिर उसके लिए अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस होता है AUI, और उसके लिए जो कन्वर्टर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं DP15 कन्वर्टर। या इसमें से आप अगर आपने बस टोपोलॉजी यूज़ की है तो बस टोपोलॉजी का कनेक्टर भी आप BNC कनेक्टर जो जो भी है वो भी आप इसमें से लगा सकते हैं, ये अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस DP15। और जो अगर आप स्टार टोपोलॉजी लेन में अगर आपने स्टार टोपोलॉजी यूज़ की है तो आप RJ45 कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस दिस इज़ अ जनरलाइज्ड है, अगर आप स्पेसिफिक ईथरनेट मींस के आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टार टोपोलॉजी इसमें से यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ईथरनेट पोर्ट, फास्ट ईथरनेट पोर्ट या अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। इसके लिए आप RJ45 कनेक्टर्स हो गए, BNC कनेक्टर्स हो गए, या अब हमारे पास जो है DP15 कन्वर्टर जो हो गए वो आप इसमें से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट किस लिए यूज़ होते हैं? एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये से फॉर एग्जांपल एक राउटर है, इस ये लोकल एरिया नेटवर्क है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमने ईथरनेट पोर्ट से या फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, या अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस को, इसको अगर आप दूसरे राउटर के साथ, एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो दूसरे राउटर के साथ से फॉर एग्जांपल इसके पास भी एक लेन है तो ये लेन भी ईथरनेट पोर्ट या फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो दरमियान में है कि एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो वो किसके साथ करेगा? वो सीरियल पोर्ट के थ्रू करेगा, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन एक राउटर को दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये सीरियल पोर्ट्स यूज होते हैं। एक हमारे पास है कंसोल पोर्ट। जब फॉर द फर्स्ट टाइम कंसोल जो हमारे हमने पढ़ा था रोल ओवर केबल, तो कंसोल पोर्ट इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर, अगर हम राउटर की या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम ये केबल आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उस इस पोर्ट के को यूज़ करके जो है हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर हम इस कंसोल पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। एक हमारे पास है, ये एक ऑक्सिलरी पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट किस लिए यूज़ होता है? ये पोर्ट हम जब इंटरनेट के थ्रू अपनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, दिस पोर्ट इज़ यूज्ड टू फॉर द सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, फॉर सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आप इंटरनेट के थ्रू थ्रू अपना जो राउटर है वो आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पोर्ट यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी पोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी पोर्ट आप यूज़ करके फिर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो राउटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स राउटर में यूज़ होता है उसको हम कहते हैं राउटर IOS, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि एक हमारे पास जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये राउटर IOS जो है ये स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर आप जनरल फंक्शनलिटीज परफॉर्म नहीं करते, ये जस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कोई गेम्स वगैरह आप इसमें नहीं खेल सकते, बस जस्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से राउटर IOS जो है इंटरनेट वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, जब ये लोड होता है तो कुछ स्टेप्स है, ठीक है। ये किधर पड़ा होता है? ये रोम में, या जो है EEPROM रोम में, जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, उसमें पड़ा होता है, ठीक है। जो हमारे पास या NVRAM जो कि हमारे पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है पोस्ट। पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, इसलिए यूज होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है कि जब आप राउटर को ऑन कर रहे हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, जब आप राउटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये अपने हार्डवेयर वगैरह को, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को चेक करते हैं, तो इस चेकिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका बूटस्ट्रैप रूटीन है, ठीक है, वो
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में ये लोड हो जाता है रैम में, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप रूटीन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, जो कि हमारे पास पड़ा होता है रोम में या डब्ल्यूपी रोम में फ्लैश मेमोरी में, इसको लोड कर लेता है। बूटस्ट्रैप स्टार्ट्स लोडिंग ऑफ द आईओएस, जो राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है। ये किधर लोड करता है? ये इसको रैम में लोड करता है। और ये हमारे पास जो ऑलरेडी सेविंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक हमारे पास है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होती है जो ऑलरेडी एनवी रैम नॉन वोलेटाइल रैम में पड़ी होती है। मींस के जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने उस पर चेक्स वगैरह लगा दिए हैं, जो भी आपने इसमें प्रोटोकॉल वगैरह इसको रन करने के लिए लगा दिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एनवी रैम में वो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सेव की है तो वो पड़ी होती है। इसको हम कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। जब आप राउटर को ऑन करते हैं तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली एनवी रैम से लोड होकर रैम में आ जाती है। लेकिन अगर इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इसको नहीं मिल जाती, एनवी रैम में कुछ डेटा नहीं है, तो फिर ये क्या करता है? फिर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता है। उससे आपसे कुछ जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड, या इसको डायलॉग मोड भी कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हम चेक करेंगे कि कौन कौन से जो है, वो अगर आप उसमें से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं तो ठीक है, मतलब जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड है। एक हमारे पास होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आपने अभी सेव नहीं किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने रैम में कुछ काम किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दी, लेकिन वो अभी तक सेव नहीं है। तो जब सेव ना हो तो उसको हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, के अभी आपका सिस्टम जिसको रन कर रहा है, ठीक है, जिस कॉन्फ़िगरेशन पे रन हो रहा है या जिस कॉन्फ़िगरेशन को रन कर रहा है, रैम में जो डेटा पड़ा होता है उसको हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर आपने ये सेव कर दिया तो रैम से डेटा किधर चला जाएगा? एनवी रैम में। तो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव होके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो है सेव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लोड करते हैं, आपके पास ना तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डेटा है ना स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में डेटा है, तो राउटर किधर चला जाता है? डायलॉग मोड में। ये इधर आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो हम आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग लोडिंग इट स्टॉप्स, ये बूटस्ट्रैप रूटीन जो है ये स्टॉप होता है और कुछ चेकिंग वगैरह करता है। स्टॉप्स एंड चेक्स मीन्स कि ड्यूरिंग लोडिंग ये कुछ चेकिंग वगैरह करती है। किस चीज़ को चेक करता है? एनवी रैम को। मीन्स कि अगर आपके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, एनवी रैम और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन या सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑलरेडी, उसको किधर लोड कर लेता है? उसको रैम में लोड कर लेता है। इफ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन फाउंड दैट देन इट कॉपी द एनवी रैम कॉन्फ़िगरेशन टू रैम। मीन्स के जो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो अब आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। लेकिन अगर इसको वैलिड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन या एनवी रैम में डेटा नहीं मिलता, फिर ये क्या करता है? ये डायलॉग मोड में या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता है। तो ये किस तरह, ये इसमें हमने कुछ प्रोसेस डिस्कस किया कि जो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आईओएस जिसको कहते हैं, वो किस स्टेप्स से होके जाता है। तो पहले सबसे ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप रूटीन, उसके बाद फिर ड्यूरिंग लोडिंग इट स्टॉप्स एंड चेक, एनवी रैम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है, मिल जाता है तो रैम में लोड कर लेता है, अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलती, ठीक है, तो फिर वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाता है, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से लोड होता है, किस तरह से काम करता है। अब हम आते हैं राउटर्स के कुछ मोड्स की तरफ, कि राउटर्स के कुछ कौन कौन से मोड्स है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है। तो जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, और इससे पहले जब आपको ये वाला इधर तक ये कमांड, ये जो सिंबल है राउटर और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन, ये शो ना, इसको हम कहते हैं कंसोल। इस इधर तक हमारे पास क्या है, इधर पे जो पासवर्ड लगता है उसको हम कहते हैं कंसोल पासवर्ड, ठीक है, ये हम चेक करेंगे, इसको हम कहते हैं कंसोल। तो ये इस मोड को जब आपके पास इस तरह का हो कि ग्रेटर देन का सिंबल नजर आए और इधर आपके पास जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग करता है, तो इसको हम कहते हैं यूजर मोड, ठीक है, या यूजर कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसमें से यूजर्स कुछ कमांड्स दे देता है, लेकिन फिलहाल अभी आप जो है राउटर में फुली जो है एंटर नहीं हुए, ठीक है। तो जब आप
इनेबल का कमांड एंटर कर लेते हैं, या ई एन का जस्ट प्रेस करके आप टैब प्रेस करते हैं तो पूरा इनेबल का कमांड आ जाएगा। ई एन भी प्रेस कर दिया और एंटर दबा दिया तो तब भी आपका ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का सिंबल, ये हैश सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसके आगे ये जो है ये नेम ऑफ द राउटर है। नेम ऑफ द राउटर आप इधर से चेंज कर सकते हैं कि होस्ट नेम, और अगर हमने ये कमांड दे दिया, लेकिन ये कमांड हम किस में देंगे, इसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। ठीक है, इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रिविलेज मोड, जब हैश का सिंबल हो इसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड। अब इसमें से भी कुछ आप कमांड्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन फुली कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉन्फ़िग टर्मिनल या कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप इसको conf और t ये भी लिख सकते हैं, ये कमांड conf t कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये फिर किधर आएगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है कि जिसमें से आपको conf ये ब्रैकेट में config नजर आएगा और हैश सिंबल नजर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में अब फिलहाल आप जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के कमांड्स है ग्लोबली, ठीक है, मतलब लोकली नहीं, कोई स्पेसिफिक इंटरफेस पे नहीं, जिस तरह हमने कंसोल पोर्ट का जिक्र कर दिया, ऑक्सिलरी पोर्ट का जिक्र कर दिया, सीरियल पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, तो उसको हम लोकल कॉन्फ़िगरेशन के, आप एक स्पेसिफिक पोर्ट पे जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसको हम कहते हैं लोकल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमने ये जब आपके पास सिंबल ज़ाहिर हो, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िग और हैश सिंबल, इसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। फिर आप स्पेसिफिक इंटरफेस पे चले जाते हैं, आपने INT लिख दिया या पूरा का पूरा इंटरफेस लिख दिया, FE stands for fast ethernet और 0/0 ये अब मॉड्यूलर का कमांड है। ये 0/0 मॉड्यूलर जो राउटर हमने पढ़ लिया कि मॉड्यूलर राउटर्स होते हैं, नॉन मॉड्यूलर होते हैं, ये अब मॉड्यूलर राउटर है। ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट के 0 रो और 0 वाला कॉलम का जो भी इंटरफेस है उस पे चले। ठीक है, तो आप INT भी लिख सकते हैं, इंटरफेस पूरा कमांड भी लिख सकते हैं। तो जब आपके पास ये वाला सिंबल ज़ाहिर हो के कन्फिग और एफ, मींस के आप लोकल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए, उस स्पेसिफिक पोर्ट पे आ गए, फास्ट ईथरनेट 0/0 पोर्ट पे अब आ गए हैं, उसमें से अगर आप इधर IP देना चाहते हैं, कुछ और कमांड्स वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो मींस राउटर्स के 4 मोड्स हैं, एक हमारे पास यूज़र मोड, एक हमारे पास है प्रिविलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, एक हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारे पास होता है लोकल कॉन्फ़िगरेशन। तो लोकल कॉन्फ़िगरेशन में आप स्पेसिफिक उस इंटरफेस पे जो कमांड्स वगैरह होते हैं वो दे सकते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आप ग्लोबल कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रिविलेज मोड है तो जितने भी शो कमांड्स हैं वो आप प्रिविलेज मोड या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने राउटर पे पासवर्ड वगैरह लगानी है, ठीक है, तो पासवर्ड दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक हमारे पास होता है प्लेन पासवर्ड, एक हमारे पास होता है सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड मींस के इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। जब आप इसको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपको एज इट इज, से फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने सीक्रेट पासवर्ड लगा दिया, सीक्रेट पासवर्ड क्योंकि आप पासवर्ड लगाते हैं तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो अब अगर आप पासवर्ड बनाते तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में आएंगे, मींस के यूज़र मोड से जब आप प्रिविलेज मोड पे आएंगे, तो ये हमारे पास हमसे इधर पासवर्ड मांगे, तो इसको हम, ये हमारे पास दो तरह के पासवर्ड होते हैं, या तो प्लेन होता है, मींस के जब आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको ये पासवर्ड नज़र भी आएगा कि आपने पासवर्ड BCS दे दिया है, लेकिन अगर आपने सीक्रेट पासवर्ड दे दिया, इनेबल सीक्रेट और BCS, तो फिर आपको शो नहीं होगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, आपको शो नहीं होगा कि ये इस BCS की जगह, ठीक है, ये जो सीक्रेट BCS है इसकी जगह कुछ सिंबल्स वगैरह, से फॉर एग्जांपल M% का साइन है, डॉलर साइन का साइन है, जो कि हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। ठीक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की हमने ऑलरेडी लेयर पे बात की, जो कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर था, तो प्रेजेंटेशन लेयर्स पे हमने इसकी बात की थी कि हमारे पास इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो ये जो BCS शो होगा ये फिर किस में शो होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में शो होगा, आपको एज इट इज़ ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपने जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, मींस ये जो रैम में कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हुई है, ठीक है, तो रैम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप
ये लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग। अगर आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एनवीरेम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखनी है तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो आप शो कमांड से थ्रू कर सकते हैं। ये कमांड जो है शो हिस्ट्री, आपको जितनी भी आपने कमांड्स दिए हैं इस लेवल पे, ये ग्लो प्रिविलेज मोड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में जितने भी कमांड्स दिए हैं, आप अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप शो हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस प्रिविलेज मोड पे लिख के होस्ट नेम और UOBCS, तो इस राउटर की जगह आपको फिर क्या नजर आएगा, इसकी जगह आपको इस तरह से नजर आएगा UOBCS और ये हैश सिंबल, ठीक है। मींस के आपने अपने राउटर का नाम चेंज कर दिया, तो राउटर के नाम चेंज करने के लिए आपके पास होस्ट नेम का कमांड है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, हिस्ट्री को देखने के लिए अपने हिस्ट्री का बटन दबाना, हिस्ट्री शो हिस्ट्री जो है वो कमांड आप दे सकते हैं। ये इनेबल का कमांड यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आने के लिए, और इसके दरमियान जो पासवर्ड होगा इसको हम प्लेन पासवर्ड या सीक्रेट पासवर्ड कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको इधर लगा सकते हैं इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट, ठीक है, इधर लगा सकते हैं, आप इधर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, इसको हम कंसोल पासवर्ड कहते हैं, वो हम आगे जाके सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी। अब आगे और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपको एनवीरेम मींस के जो ऑलरेडी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको शो होगा। अगर आपने कुछ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की और आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए दो कमांड्स हैं, कॉपी कर दे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दे, या आप इसको राइट मेम भी कह सकते हैं, राइट मेमोरी, तो WR और स्पेस MEM राइट मेम भी आप लिख सकते हैं, राइट मेमोरी, ठीक है, तो राइट मेमोरी भी लिख सकते हैं, WRM भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये कमांड किस लेवल के हैं, तो ये हमारे पास प्रिविलेज मोड के कमांड, ठीक है। अगर आपने IP असाइन करनी है तो IP या तो आप इथरनेट पोर्ट को असाइन करेंगे या सीरियल पोर्ट को आप IP असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आपने सिस्टम को असाइन करनी है तो सिस्टम तो अलग-अलग से, ये तो हम राउटर की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास सीरियल पोर्ट है या इथरनेट पोर्ट है तो सबसे पहले आप उस स्पेसिफिक पोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, उस पोर्ट पे जाने के लिए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, उसके बाद इंटरफेस और इथरनेट जीरो, आप इथरनेट जीरो भी लिख सकते हैं, E0 भी लिख सकते हैं, तो ये अब नॉन मॉड्यूलर राउटर है, नॉन मॉड्यूलर राउटर, ये जिसमें से आपको ये नहीं शो किया गया कि ये इथरनेट 0/0 है, ठीक है, रो और कॉलम में डिवाइड नहीं किया, बल्कि इथरनेट 0 डायरेक्टली जो जितने भी पोर्ट्स है उसमें से आप एक्स्ट्रा पोर्ट्स ऐड ही नहीं कर सकते, तो इथरनेट पोर्ट 0 पे जाए तो आपके पास लोकल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। अब उसमें आपने क्या करना है, IP स्पेस एड्रेस और स्पेस जो भी एड्रेस है वो आपने दे दिया, और उसके बाद ये है सबनेट मास्क, ये क्या है, ये हमारे पास है सबनेट मास्क, तो आप IP देंगे, IP तो याद रखें कि नेटवर्क ID और ब्रॉडकास्ट ID आपने नहीं देनी, आपने सबनेटिंग वगैरह की है तो वो आप नेटवर्क ID और जो आपके पास ब्रॉडकास्ट है ये आप कभी भी इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते, ये याद रख ले, ठीक है, ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क ये दो IP जिसमें हमने सबनेटिंग में किया था 2n-2, तो ये -2 वो दो IPs है नेटवर्क की और ब्रॉडकास्ट की जिसको हम होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, होस्ट को या स्पेसिफिक पोर्ट्स को असाइन नहीं कर सकते, तो IP एड्रेस स्पेस जो भी एड्रेस है आप वो दें और उसके बाद सबनेट मास्क एंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है IP लेगा। उसके बाद एक कमांड है नो शटडाउन। कभी कभी इस तरह होता है कि अगर आपके पास कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो मैसेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे कि कौन कौन से मैसेजेस है, अगर आपने नो शटडाउन किया, कभी कभी इस तरह होता है कि आपका जो लिंक है वो भी डाउन होता है और उसके बाद उस पर जो प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं वो भी डाउन है, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आपका लिंक डाउन हो तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटोकॉल्स है वो भी डाउन होंगे। कभी कभी इस तरह होता है कि आपके लिंक जो है वो
अप होता है लेकिन आपके प्रोटोकॉल जो है वो डाउन होते हैं। तो उसको अप करने के लिए आपने क्या करना है, नो शटडाउन इनेबल कर दो, जिस इंटरफेस पे जो जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है उसको इनेबल कर दो। तो नो शटडाउन नॉर्मली हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरह होता है कि जो जो लिंक्स आपके है वो अप है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नो शटडाउन मतलब आपने इनेबल करना है, जो भी आपका इंटरफेस है उसको इनेबल करना, ठीक है। तो ये आईपी को असाइन करने के लिए कि आप स्पेसिफिक इंटरफेस पे जाए और आईपी एड्रेस, उसके बाद आईपी स्पेस एड्रेस, उसके बाद आईपी, जिस क्लास की भी आपने आईपी लेनी है वो आईपी। लेकिन याद रखें कि आपके पास अगर राउटर्स है सीरियल पोर्ट पे आप जाते हैं, ठीक है, तो अगर इस साइड पे जो आपने जिस क्लास की आईपी दी उसी लिंक के दूसरे साइड पे भी आपने उसी जो भी आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया है उसी नेटवर्क की आईपी आपने देनी है, क्योंकि ये इन इस राउटर और इस राउटर के दरमियान जो नेटवर्क है वो सेम नेटवर्क होगा। अगर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो फिर वो ये लिंक जो है ये एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, ये लिंक का एक सिरा और दूसरा सिरा एक ही उसमें आना चाहिए। राउटर का काम क्या है, दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेशन करना। अब ये राउटर का ये पोर्ट जो सीरियल पोर्ट है वो एक नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन जो इथरनेट पोर्ट है या फास्ट इथरनेट पोर्ट है वो दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है। तो राउटर का काम यह है कि एक नेटवर्क से डेटा ले और दूसरे में ट्रांसफर करे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हम एक्चुअली पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, लिंक स्टेट है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास है, लिंक स्टेट जिसके पास पूरे हर लिंक की जो है इंफॉर्मेशन हो, डिस्टेंस वेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो वो हम डिटेल में इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम और भी देख लेते हैं। तो ये कंसोल का पासवर्ड हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंसोल जब आप इनेबल पे आते हैं इस मोड पे जिसको हम यूज़र मोड कहते हैं, इस मोड से आने से पहले जो पासवर्ड हमसे मांगता है उसको हम कहते हैं क्या, कंसोल पासवर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, कंसोल पासवर्ड। और जब आप इनेबल लिखते हैं और इससे आप आते हैं प्रिविलेज मोड में, तो इसके दरमियान जो पासवर्ड होता है वो हमारे पास प्लेन पासवर्ड या जो हमारे पास हमने पासवर्ड दिया था सीक्रेट पासवर्ड, तो वो हमसे इधर मांगेगा, ठीक है। एक पासवर्ड इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ऑक्सिलरी पोर्ट पे पासवर्ड लगानी है तो ऑक्सिलरी पे भी लगा सकते हैं। अगर आपने जो टेलनेट है उस पे जिसको हम ऑक्सिलरी पोर्ट जिस जब हम टेलनेट करते हैं कि मतलब बाहर से हम इसको एक्सेस करते हैं तो एट अ टाइम 5 जो लाइंस है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम राउटर्स को। तो उन सारी लाइंस पे जिसको हम UTY लाइंस कहते हैं उन पे आपने पासवर्ड लगानी है, ठीक है, तो उस पे भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। कंसोल पे पासवर्ड किस तरह लगाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे गए, फिर उसके बाद आपने लाइन कंसोल जीरो, कंसोल पे पासवर्ड लगानी है तो लाइन कंसोल जीरो, ऑक्सिलरी पे लगानी है तो लाइन ऑक्सिलरी जीरो, VTY पे लगानी है तो लाइन VTY जीरो जीरो। इसमें 5 लाइंस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी 0 से लेकर 4 तक लगानी है तो 0 से लेकर 0 स्पेस 4th कर दें, मीन्स के 0 से लेकर 5 की 5 लाइंस पे किसी भी लाइन पे अगर कोई बंदा इसको एक्सेस करना चाहे थ्रू टेलनेट तो क्या हो, इस पे पासवर्ड हो, तो लाइन VTY लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 4, तो सारी की सारी लाइन पे आपकी पासवर्ड जो है वो लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये लोकल मतलब कंसोल पोर्ट पे आ गए, कंसोल पे कॉन्फ़िग लाइन, ठीक है, और उस पे आपने क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे इधर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड VCS, तो ये आपसे ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड लेगा। लॉगिन कर दें पासवर्ड VCS, लॉगिन कर दें पासवर्ड VCS, ये पासवर्ड है VCS की जगह आप अपना पासवर्ड जो भी पासवर्ड सेट करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। VCS सेट करना चाहते हैं VCS, अगर आपने VCS सेट नहीं किया, कोई और पासवर्ड वेलकम लगा दिया, कोई आपका जो जो आपका पर्सनल पासवर्ड हो वो लगाना चाहते हैं, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं, तो कंसोल पे ऑक्सिलरी पे और टेलनेट पे सब पे एक ही तरह का पासवर्ड लगता है, सब पे एक जैसा पासवर्ड, मतलब एक जैसा मतलब के तरीका एक है, पासवर्ड आप डिफरेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड रिमूव करनी है उस स्पेसिफिक लाइन पे जाए, जो भी लाइन हो, लाइन कंसोल हो
या जो भी हो उस लाइन पे जाएं और लॉगिन की से पहले आप क्या कर दें, नो लॉगिन कर दें। जितने भी कमांड्स आपने रिमूव करनी है, नो अगर आईपी रिमूव करनी है तो नो आईपी स्पेस एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली आईपीस भी उस पर्टिकुलर जो आपका इंटरफेस है, चाहे वो इथरनेट है, सीरियल है, जो भी है जिसपे आपने आईपी वगैरह लगा दिए, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव करने के लिए सिस्को में आपके पास क्या है, नो कमांड्स है, नो और जो भी कमांड्स आप लगाने के लिए देते हैं वही कमांड आप दे, लॉगिन, नो लॉगिन, ऑटोमेटिकली ये कमांड जो भी पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली होता है, हो जाएगा। ठीक है, होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में, कि हम राउटर्स के कौन कौन से मोड्स हैं और उस पर किस तरह के पासवर्ड लगा सकते हैं, मतलब पासवर्ड प्लेन पासवर्ड लगाना चाहते हैं, सीक्रेट पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कंसोल पे लगाना चाहते हैं, ऑक्सिलरी पे लगाना चाहते हैं, टेलनेट पे लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपने आईपी एड्रेस वगैरह किस तरह से देनी है, किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को आईपी देनी है तो वो किस तरह से देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद आगे फिर इंशाल्लाह फर्दर जो राउटिंग्स प्रोटोकॉल्स है उस पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, होप इधर तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।